नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव इन दिनों मीडिया में खूब चर्चा में हैं, और हो भी क्यों नहीं। एजेंसी और न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तेजस्वी यादव के क्रिकेट से लेकर राजनीति में एंट्री तक के सफर के बारे में। राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोश, उन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह रिकॉर्ड इससे पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के पास था। वो एक दिन में 17 जन रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने एक दिन में 19 जनसभाओं को संबोधित किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव एक सभा से दूसरी सभा में जाने के लिए दौड़कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ते थे, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरने के तुरंत बाद दौड़कर मंच पर चढ़ जाते थे और जनसभा को संबोधित करने लगते थे। उन्होंने इस तरह से विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोश दिखाया था। राजनीति में एंट्री से पहले तेजस्वी यादव को क्रिकेट से बहुत लगाव था। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, और उन्होंने रणजी का मैच भी खेला है। तेजस्वी यादव साल 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स यानी कि दिल्ली कैपिटल का हिस्सा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे हमेशा बेंच पर ही बैठे रहे, और उन्हें कभी भी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। अगर हम इनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो तेजस्वी यादव ने क्रिकेट कैरियर में 7 घरेलू मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37 रन अपने नाम किए। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो तेजस्वी यादव महज 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच झारखंड टीम की तरफ से खेला था, और वे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। उन्होंने पहली पारी में 1 रन और दूसरी पारी में 19 रन बनाए थे। इस मैच में उन्होंने 5 ओवर भी फेंका था, जिसमें उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला। साल 2010 की विजय हजारे ट्रॉफी में तेजस्वी यादव झारखंड के लिए बतौर ऑलराउंडर मैदान पर उतरे थे। विजय हजारे ट्रॉफी में तेजस्वी यादव ने अपनी पहली पारी में 1 रन बनाए, उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 9 रन जोड़ सके, और यह मैच उनकी टीम हार गई। त्रिपुरा के साथ खेले गए दूसरे मैच में उन्होंने 5 रन और 1 विकेट हासिल किए। इस मैच में झारखंड की टीम जीत गई थी। आइए अब बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। तेजस्वी यादव ने 4 T20 मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 मैच में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मात्र 3 रन ही बना सके। इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी भी की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद तेजस्वी यादव बहुत लंबे समय तक क्रिकेट के साथ जुड़े नहीं रह सके, और उन्होंने अपना मन राजनीति में आने का बना लिया। इसके बाद वे अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर चलने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने राजद की बागडोर संभाल ली। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में वे पहली बार विधायक बने, और उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पर वे यहां भी बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सके। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि वो राजनीति की पारी में कितनी लंबी खेल सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ।